फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। और हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस 49,568 भर्ती से रिलेटेड। कुछ देखिए, DBPSC से रिलेटेड कुछ नोटिस आई है जो कि आपका जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं, अभी आप जाओगे ऑफिशियल वेबसाइट पे तो सिंपली आपको ये 19 दिसंबर का जो है ये नोटिस सबसे ऊपर दिख जाएगा। और इसमें क्या है खबर ये भी आपको जाननी चाहिए। जो आपकी DBPSC है वो स्थगित कर दी गई है कुछ जो है अनिवार्य कारणों का। जैसे कि आपको पता होगा कि आपके उत्तर प्रदेश में है 144 जो धारा लगी है, ठीक है, तो इसके कारण जो है वो आपका DBPSC जो है वो आज स्थगित और कल स्थगित कर दी गई। तो क्या है पूरी खबर हम इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, तो जैसे कि अभी आप देख सकते हो ये आपका 19 दिसंबर 2019 का है। ठीक है, और देखिए इसमें आपका सब्जेक्ट क्या है, किस कारण से ये जो नोटिस है वो जारी करा गया है। तो देखिए, उपयुक्त विषयक बोर्ड की श्रम संख्यक सूचना यानी कि विज्ञप्ति दिनांक 6/12/2019 एवं 16/12/2019 के क्रम में सूचित किया जाता है कि अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण के D20 एंड D21 दिवसों की परीक्षा अपरिहार्य मतलब कि अनिवार्य कारणों से स्थगित कर दी गई है। जैसे कि अगर आपको न्यूज़पेपर या फिर न्यूज़ चैनल देखते होंगे तो आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश में जो है 100 धारा लागू हुआ है। ठीक है, तो इसी के कारण जो है वो आपका DBPSC 19 एंड 20 को स्थगित कर दिया गया है। और उससे रिलेटेड देखिए एक और इम्पोर्टेंट है कि उक्त दिवसों की स्थगित की गई अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण अब उनके सम्मुख अंकित तिथियों पर नियमानुसार जो है आयोजित की जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ आपको साड़ी में दिया गया है सारी इन्फॉर्मेशन की DBPSC हेतु स्थगित तिथि और DBPSC हेतु पुनर्निर्धारित तिथि, मतलब जिनका आज और कल जो है DBPSC नहीं होगा तो उनका कब होगा। इसमें आप देख सकते हो दिया गया है कि D20 मतलब 19/12/2019 20/12/2019 इन दो दिनों में आपका जो है DBPSC नहीं होनी है। तो जो भी कैंडिडेट का जो है D20 D21 है उनका जो है 29 और 30 को जो है वो आपका DBPSC कराया जाएगा। तो आप देख सकते हो। ठीक है, तो फ्रेंड्स बस मुझे आप सभी को इतना ही इन्फॉर्मेशन देना था। और हाँ, जैसे कि अभी आप बहुत परेशान है बहुत सारे स्टूडेंट्स की, उनकी रनिंग जो है वो कब तक करी जाएगी। ठीक है, तो जैसे कि रनिंग की बात करें तो जैसे कि पहले तो ये था कि बोला जा रहा था कि आपका जो है 27 को DBPSC समाप्त हो जाएगा, लेकिन इन दो दिनों के मतलब कि अब तो DBPSC और दो दिन इंक्रीज कर दिया गया धारा लागू होने के कारण, तो ये आपका अब DBPSC 30 तारीख तक चलेगा। तो अब तो हमने आपको पहले भी बताया था कि जनवरी में कन्फर्म है, लेकिन अब देखिए अब इसकी वजह से आपकी और भी देरी होगी। अब आपके फर्स्ट वीक में या फिर सेकेंड वीक में हो सकता है कि आपके जो एडमिट कार्ड है वो रिलीज किए जाएं। तो अभी तो ऑफिशियली कोई भी दौर से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, लेकिन अगर हम DBPSC के सेंटर पर अगर आपका भी हुआ होगा तो आपको पता चल गया होगा कि वो लोग अभी यही बोल रहे हैं कि जनवरी या फिर फरवरी के माह तक हो सकता है, क्योंकि अभी आप देख रहे हो कि इसमें और भी प्रोसेस है। अभी एक आपके लिए और भी लिस्ट जारी की जाएगी, हो सकता है जारी कर दी जाए जिनका भी DBPSC छूट गया है, उनका मतलब एक लिस्ट जारी कर दिया जाएगा कि आपका अगर किसी कारण DBPSC छूट गया तो आपका अपना DBPSC अपने जिस भी सिविल लाइन्स में जाना है आप जाकर करा सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स दौड़ के लिए अभी तो ऑफिशियल कोई अपडेट नहीं है, तो आपको बस अपनी तैयारी अच्छे से करनी है। अभी आप देख रहे हो ठंडी भी बहुत है, तो अच्छा है कि जितना ही देर हो अच्छा है। ठीक है, क्योंकि इतना ठंडी में बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो दौड़ने भी नहीं जा रहे क्योंकि बहुत ठंडी है 2-3 दिनों से। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि ये अपडेट थी आपके लिए जो कि आपका जानना बहुत ही ज़रूरी है। आप इतना ठंडी में परेशान हो जाओ आओ तो कोई फ़ायदा नहीं ना। तो आप देख सकते हो कि जो आपकी DBPSC है, अगर आपका DBPSC 19 एंड 20 तारीख को है तो आपको नहीं जाना है। ठीक है, आपका DBPSC 29 एंड 30 तारीख को करा दिया जाएगा। तो बस मुझे आप सभी को यही इन्फॉर्मेशन देना था, जैसे कि आपको अगर आप हमारे चैनल से जुड़े होंगे तो आपको पता होगा हम इस चैनल के थ्रू जो भी ऑफिशियली खबर आती है आपके सिलेक्शन से रिलेटेड
वो इन्फॉर्मेशन देते हैं जो कि आपके लिए बेनिफिट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। और हाँ, चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब करो यार, ठीक है। और वीडियो पसंद आने पर लाइक वाइक भी कर दिया करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।